कैसे हो आप सब। आज बात करेंगे मॉनसून ह्यूमिडिटी और हेयर फॉल की। मॉनसून वेदर में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है मुझ में, आप में, इनफैक्ट हम सभी में, जो कि है हेयर फॉल, इची स्कैल्प, डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शन। अब हम सब लोग मॉनसून या ह्यूमिडिटी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर है जिसको हम डेफिनेटली कंट्रोल में कर सकते हैं, वो है हेयर फॉल या फिर किसी भी तरीके के स्कैल्प इन्फेक्शन को। आज शेयर करूंगी आपके साथ कुछ ऐसी ही बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके ना सिर्फ आप इन सभी प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो बल्कि आप पा सकते हो ब्यूटीफुल, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हेयर। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आती है तो लाइक भी करिएगा। और अगर इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब। टिप नंबर वन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, जाने अनजाने में हमें बारिश का सामना करना पड़ जाता है और हमारे बाल, हमारी स्कैल्प जो है वो बिल्कुल भीग जाती है। अवॉइड करिए इस सिचुएशन को। हमेशा जब भी आप बारिश में बाहर निकलें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ साथ लेकर के जाएं कि आप अपने बालों को उससे कवर कर सकें, क्योंकि ये जो बारिश का पानी है ये स्लाइटली एसिडिक होता है। पॉल्यूशन, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स का हो या फिर आपकी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ का हो, वो कहीं ना कहीं बारिश के पानी में मिक्स हो जाता है जिसमें कि होता है सल्फ़र, और वो आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। आपकी स्कैल्प में ये सारा पानी बैठ जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से स्कैल्प इन्फेक्शन देता है, बहुत ही इन्फेक्शियस हो जाता है हमारा स्कैल्प और नतीजा क्या होता है, हेयर फॉल। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जब भी ऐसे मॉनसून वाले मौसम में कहीं बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर हैं, तो आप कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रखिएगा जिसको आप अपने बालों को अच्छे से रैप कर सकें, या फिर अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करिए ताकि आपके बाल जो हैं वो बारिश में भीगे नहीं और डैमेज होने से भी बचें। टिप नंबर टू, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि मॉनसून सीज़न में हमें बालों में हेयर ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बालों की मसाज ऑयल से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। जिस तरीके से हम लोगों को न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए होती है, टाइम टू टाइम खाना चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से बालों को भी ज़रूरत है अच्छे न्यूट्रिशन की। आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ओवरनाइट हेयर ऑयल ज़रूर करिए, अच्छे से मसाज करिए अपने बालों में, और अगर 2 बार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 बार तो आपको ज़रूर करना ही चाहिए। उससे आपके बाल और भी ज़्यादा हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और शाइनी होते हैं। मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यूज़ करिए अनियन ऑयल या फिर टी ट्री ऑयल बालों में, जो कि आपकी बालों को यू नो अच्छे से ग्रो भी करता है और स्ट्रॉन्ग भी रखता है। बट अगर आपको अनियन ऑयल यूज़ करने से कोई स्मेल की प्रॉब्लम है या फिर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो आपके साथ मैं एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन शेयर करने वाली हूँ जो कि आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, वो है ये वाव का जिंजर हेयर ऑयल। एंड हाँ गाइज, एक बात और बता दूँ आपको कि वाव में लग गई है सेल, आपको वहाँ पे बाय वन गेट वन, बाय टू गेट टू, काफ़ी सारा अच्छा स्किन केयर और हेयर केयर रेंज में यू नो डील्स मिल रही हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं जो मैं हेयर ऑयल वाव का यूज़ कर रही हूँ, वो है वाव का जिंजर हेयर ऑयल, जिसमें कि है जिंजर रोजमेरी टी ट्री ऑयल। मैं हमेशा ही आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि चाहे आपकी स्किन की बात हो या फिर आपके बालों की बात हो, आपको टी ट्री को जो है अपनी यू नो इस रूटीन में शामिल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपका, चाहे कोई स्किन इन्फेक्शन हो या स्कैल्प इन्फेक्शन हो, उसको ये बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। एंड दिस हेयर ऑयल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हेयर ऑयल जो है हमको डैंड्रफ से भी बचा के रखता है, और ये बिल्कुल ही नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है। कुछ इस तरीके की बॉटल हमको मिल जाती है जो कि पम्प बॉटल है, और साथ में हमको सबसे बेस्ट चीज़ ये कोम एप्लीकेटर मिल जाता है। इसको हम इसमें लगाते हैं और डायरेक्टली जो है आपकी स्कैल्प में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको अच्छे से मसाज करनी है अपने बालों की। एंड येस गाइज, ऑयलिंग करने के बाद कभी भी अपने बालों में कोम यूज़ मत करिए। आप जस्ट ऐसे ही उसको बन बना लीजिए या फिर एक आप यू नो चोटी बना लीजिए। कोम करने से क्या होता है कि ऑलरेडी आपकी रूट्स जो है ना बहुत ही हल्की हो जाती हैं मसाज करने के बाद। अगर आप ज़ोर ज़ोर से कोम करते हो तो आपके बाल उससे टूट सकते हैं, तो प्लीज़ कोम को अवॉइड करिए हेयर ऑयल के बाद। अब अगर हम बात करें इस ऑयल की, तो इसमें जो है लेमन भी है और जिंजर भी है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बालों को ये जो है नरिश करता है, शाइन देता है, और काफ़ी तरीके के इन्फेक्शन से ये आपको बालों को ये बचा करके रखता है।
अब डेफिनेटली पता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि इसमें लेमन है, हमें ये बालों में यूज़ नहीं कर सकते, इससे हमारे यू नो बाल वाइट हो जाएंगे या हमें कुछ और तरीके की हेयर प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा यू नो गलत धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट रेनी सीजन में आपको नींबू का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी स्कैल्प को यू नो क्लियर कर देता है। सारा डर्ट पॉल्यूशन जो भी होता है ये आपके बालों में से, आपकी स्कैल्प में से अच्छे से रिमूव हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हमें लेमन यू नो एज एन इंग्रेडिएंट अपने बालों के लिए यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है वाव का ये अनियन ब्लैक सीड ऑयल। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने आपके साथ यही शेयर किया है कि आप ब्लैक अनियन ऑयल को अपने यू नो बालों के रूटीन में ज़रूर शामिल करिए, ये आपके बालों को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है। वाव का जो ये अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल है ये कुछ इस तरीके की पम्प बॉटल में आपको मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है। और इसमें सिर्फ अनियन ब्लैक सीड ऑयल ही नहीं, आपको साथ में मिल जाता है ऑलमंड, कैस्टर, जोजोबा, ऑलिव एंड कोकोनट ऑयल्स। वाव के ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मिनरल फ्री हैं, इनमें किसी भी तरीके का सिंथेटिक या फिर सिलिकॉन भी यूज़ नहीं किया गया है। एंड बेस्ट थिंग कि ये सभी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, तो सेफ़ हैं आपके बालों के लिए। और आप डेफिनेटली अगर अच्छे से किसी हेयर ऑयल पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो वाव पे इस टाइम सेल लगी हुई है, अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, जाइए और जल्दी से ये अच्छे अच्छे से हेयर ऑयल अपने रूटीन में शामिल करने के लिए ले लीजिए। इन दोनों हेयर ऑयल के साथ मैंने एक चीज़ और ली है वाव से, जो कि है उनका सनस्क्रीन मैट फिनिश। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मॉनसून है, रेनी सीजन है, तो हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। ये एब्सोल्युटली गलत है गाइस। आपको चाहे सूरज नहीं दिख रहा है, बट सूरज है, उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो एटमॉस्फेयर में हैं, तो आपको उनसे अपनी स्किन को बचा करके रखना है ताकि आप किसी भी तरीके के स्किन इन्फेक्शन को ना ले लो। तो उसके लिए आपको सनस्क्रीन जो है वो 12 महीने लगाना चाहिए, एंड दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम वाव। इसमें आपको मिल जाता है रेसबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और साथ में है इसमें एवोकाडो ऑयल। ये सभी जो है किसी भी तरीके की सन से होने वाली स्किन इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो प्लीज़ गाइज डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग, उनकी सेल अभी चल रही है और आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, तो प्लीज़ जाइए और जल्दी से चेक कर लीजिए। मैं इन सभी प्रोडक्ट्स के जो लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थ्री, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करिए। इस मौसम में जंक फूड आप जितना ज़्यादा खाएंगे आपकी स्किन और आपकी स्कैल्प उतनी ही ज़्यादा ऑयली होगी। ट्राई करिए अपनी यू नो डेली डाइट में स्प्राउट्स को इंक्लूड करने की। जितना ज़्यादा आप प्रोटीन लेंगे उतने ही ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग आपके बाल होंगे। बालों की जो ग्रोथ होती है वो टोटली आपके प्रोटीन इंटेक पे डिपेंड करती है। सो अपनी डाइट में अच्छा सा प्रोटीन और स्प्राउट्स को ज़रूर इंक्लूड करिए इस मानसून सीजन। नंबर 4, हफ्ते में हम 2 से 3 बार हेयर वॉश कर ही लेते हैं मानसून में। ट्राई करिए कि बेबी शैम्पू या फिर हर्बल शैम्पू को ही यूज़ करिए। केमिकल ट्रीटेड शैम्पू से अपने बालों को बचा करके रखिए, क्योंकि ऐसे में जो भी केमिकल्स हैं शैम्पू में वो आपके बालों को और भी ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं, एंड फाइनली होता क्या है कि हमारा हेयर फॉल हो जाता है। हफ्ते में एक बार ऐसा करने से आप जो है कम केमिकल्स को अपने बालों में यूज़ करते हो। तो आपको करना क्या है, अगर आप हफ्ते में 2 बार अपना हेयर वॉश करते हो तो एक बार अपना रेगुलर शैम्पू यूज़ करो और एक बार जो है वो हर्बल या फिर कोई भी लाइट शैम्पू जैसे कि बेबी शैम्पू है उसको यूज़ करो, तो आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक जाएगा। 5, यूज़ DIY कंडीशनर्स। हफ्ते 10 दिन में एक बार जो है आप घर में होममेड बने हुए जो कंडीशनर्स होते हैं, जो हेयर मास्क होते हैं, उनको ज़रूर यूज़ कीजिए। और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप थोड़ी सी कर्ड ले लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच हनी और 1/2 लेमन मिक्स करके अच्छे से अपने बालों पे स्कैल्प से लेकर के और रूट तक उसको अप्लाई करिए। ऐसा करने से आपकी स्कैल्प भी हेल्दी होती है, बालों को अच्छी तरीके से यू नो ये सारी तीनों चीज़ें मिलकर मॉइस्चराइज करती हैं और आपके बाल जो हैं और भी ज़्यादा हेल्दियर, स्ट्रॉन्गर और शाइनी हो जाते हैं। अगर इस हेयर मास्क में आप लोगों में से कुछ जो हैं जो लेमन यूज़ नहीं करना चाहते हैं वो लेमन को रिप्लेस कर सकते हैं एलोवेरा जेल से। सो आपको 2 से 3 चम्मच जो है वो दही की ले लेनी है, उसमें आप 1 चम्मच हनी डालेंगे। जिसको लेमन डालना है वो 1/2 लेमन डालेगा, और जो लेमन नहीं डालना चाहते हैं वो 1 स्पून जो है वो एलोवेरा जेल की मिक्स करके बालों में अच्छे से अप्लाई करिए और मुझे अपने रिजल्ट ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरी रेसिपी है, मैं हमेशा ही इसको यूज़ करती हूँ और रिजल्ट्स आप सबके सामने हैं। लास्ट टिप,
लास्ट टिप जो है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें मैं आप सबको ऑर्डर दे रही हूँ कि आप अपने जितने भी हेयर ड्रायर्स हैं उनको पैक करके एक तरफ रख दीजिए। इस मॉनसून सीज़न में बिल्कुल भी किसी भी तरीके का हेयर ड्रायर या फिर आप हेयर स्ट्रेटनर यूज़ मत करिए, क्योंकि वो एक्सेस हीट देते हैं आपके बालों को और एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनमें जितना भी मॉइस्चर है। आपके बाल क्या हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। बालों को या तो आप टॉल ड्राई करिए या फिर नेचुरल हवा में उनको सुखाइए। हेयर ड्रायर को बिल्कुल भी यूज़ करना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सीज़न जब आएगा सर्दियों का, उसमें आप हेयर ड्रायर को यूज़ कर सकते हैं। गाइस आप सभी इन टिप्स को फॉलो करोगे और इस मानसून सीज़न में अपने हेयर फॉल को होने से रोकोगे। और हाँ, इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक ही मत रखना, ये जिन जिन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है उनके साथ शेयर ज़रूर करना। बहुत ही जल्दी मिलूंगी दोबारा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी लोगों से। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। सी या।